एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने पेतियाता स्थित सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जी हाँ, आपको बता दें, गोरखपुर अयोध्या एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना ताल ठोका है। उसी के मद्देनजर आज बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें इस चुनाव में किस तरह से अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई जाए उसको लेकर भी पूर्व मंत्री ने मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो एमएलसी का चुनाव चल रहा है उसमें अपने साथियों की तैयारी और इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श के लिए भी एक बैठक आयोजित की गई थी। कुछ दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं भी दिए गए हैं चुनाव को लेकर, 21 तारीख को चुनाव होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह चुनाव जैसे समय में हो रहा है तो पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से जिस तरीके से निराश है, उसमें सर्वाधिक निराश वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में भी हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक ये सरकार कर रही है, वो सारे लोग बहुत ही पीड़ित लोग हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हों या अधिवक्ता हों या अन्य लोग हैं जो स्नातक हैं, वो सारे लोग जो इस बार विशेष रूप से इस चुनाव में जो मतदाता हैं, वो सरकार के तमाम कृत्यों से बहुत ही पीड़ित लोग हैं। और सबके मन में ये बात बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस किसी स्तर पर हराया जा सके, सबकी ताकत एकजुट होकर के इसको अंजाम दे सके। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीतने जा रही है, लेकिन हमारी जीत और बड़ी हो, जीत का अंतर और बड़ा हो, इसलिए सभी साथी बैठ करके और अपनी रणनीति बनाने का काम यहाँ कर रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी के तमाम नेता, और अच्छी बात यह है कि गोरखपुर में खास तौर से हमारे जितने नेता हैं, बिना किसी भेदभाव के सबने बहुत संगठित होकर के और अपना मजबूत योगदान करने का मन बनाया है। सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीतेगी।